साथियों, अंबेडकरी पत्रकारीय परंपरा के तहत राष्ट्रहित में आप लोगों से कुछ जरूरी बात करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश देते हुए कहा कि आज मध्य रात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं अमान्य होंगी। केंद्र सरकार की तरफ से दावा किया गया कि ये निर्णय पूरी तरह गोपनीय था और इस निर्णय की घोषणा से पूर्व इसके बारे में सिर्फ प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री समेत भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय के कुछ ही अधिकारियों को मालूम था। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मीडिया को बताया कि 8 नवंबर को शाम 6 बजे आरबीआई का प्रस्ताव आया, शाम 7 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई जिसमें मोदी ने मंत्रियों को ब्रीफ किया और रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए घोषणा कर दी। पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश को मीडिया में लाइव बैंड के साथ प्रसारित करने को कहा था, जिसे देश के तमाम चैनलों ने लाइव बैंड के साथ ही प्रसारित किया। पीएम मोदी ने देश की जनता को बरगलाने के लिए ऐसा दिखावा किया कि मानो उन्होंने अचानक ही रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित किया। यह अचानक घोषणा वाला नाटक इसलिए किया गया ताकि देश की जनता को भरोसा हो जाए कि प्रधानमंत्री मोदी ने मामले को बेहद गोपनीय रखा है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं था। मैं बतौर दूरदर्शन समाचार में कार्यरत पत्रकार सत्येंद्र मुरली जिम्मेदारी पूर्वक दावा कर रहा हूं कि 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संदेश लाइव नहीं था, बल्कि पूर्व रिकॉर्डेड और एडिट किया हुआ था। 8 नवंबर 2016 को शाम 6 बजे आरबीआई का प्रस्ताव और शाम 7 बजे कैबिनेट को ब्रीफ किए जाने से कई दिनों पहले ही पीएम का राष्ट्र के नाम संदेश लिखा जा चुका था। और इतना ही नहीं, मोदी ने इस भाषण को पढ़कर पहले ही रिकॉर्ड करवा लिया था। 8 नवंबर 2016 को शाम 6 बजे आरबीआई से प्रस्ताव मंगवा लेने के बाद शाम 7 बजे मात्र दिखावे के लिए कैबिनेट की बैठक बुलाई गई जिसे मोदी ने ब्रीफ किया। किसी मसले को ब्रीफ करना और उस पर गहन चर्चा करना, दोनों में स्पष्ट अंतर होता है। मोदी ने कैबिनेट बैठक में बिना किसी से चर्चा किए ही अपना एक तरफा निर्णय सुना दिया। यह वही निर्णय था जिसे पीएम मोदी पहले ही ले चुके थे और कैमरे में रिकॉर्ड भी करवा चुके थे। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 एवं आरबीआई एक्ट 1934 की अनुपालना किस प्रकार की गई होगी, क्या इस मामले में राष्ट्रपति महोदय को सूचना दी गई? मोदी ने संविधान व नियम कानूनों को ताक पर रखकर देश की जनता को गुमराह किया है और अपना एक तरफा निर्णय थोपते हुए देश में आर्थिक आपातकाल जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। इस निर्णय की बदौलत देश भर में बैंक कर्मियों, बच्चों, वृद्धों, महिलाओं समेत सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है और सिलसिला है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। पूरे देश में बैंकों और एटीएम मशीनों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। आज देश का आम आदमी, गरीब, मजदूर, किसान और मध्यम वर्ग के ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति इन कतारों में लगा हुआ है। जबकि पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त और काला धन रखने वाला व्यक्ति आज लाइन में लगा हुआ है, जबकि आम आदमी, गरीब, मजदूर, किसान चैन की नींद सो रहा है। मोदी के इस वक्तव्य की चारों ओर जबरदस्त आलोचना भी हो रही है। आज देश भर में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसते हुए उन्हें हिटलर और तुगलक जैसी संज्ञा दे रहे हैं। देश की जनता कह रही है कि मोदी ने इस निर्णय के बारे में अपने चहेते यार दोस्तों को पहले ही जानकारी दे दी थी। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती एवं अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने भी राज्यसभा में इस बात को भलीभांति उजागर किया था। यहाँ तक कि कई बीजेपी नेताओं और समर्थकों ने भी पीएम मोदी पर देश के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है, जिसके वीडियो क्लिप सोशल मीडिया और यूट्यूब पर वायरल हो चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में प्रधानमंत्री मोदी पर घूस लेने और नोटबंदी की सूचना अपने चहेते पूंजीपति यार दोस्तों को लीक किए जाने के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिस पर बीजेपी और आरएसएस ने चुप्पी साध रखी है। इस सब के बीच विरोधाभासी बात तो यह भी है कि केंद्र सरकार और आरबीआई ने काले धन और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उच्च मूल्य वाले 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने का तर्क देते हुए 8 नवंबर को भारत के राजपत्र में कहा है कि
भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड ने सिफारिश की है कि 500 रुपये और 1000 रुपये के अंकित मूल्य के बैंक नोट वैध मुद्रा नहीं रहेंगे। यह देखा गया है कि उच्च मूल्य के बैंक नोटों का उपयोग गणना में न लिए गए धन के भंडारण के लिए किया जाता है, जैसा कि विधि प्रवर्तन अभिकरणों द्वारा नकदी की बड़ी वसूलियों से परिलक्षित है, ऐसा इन्होंने भारत सरकार के गैजेट में कहा है। लेकिन इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 10 नवंबर को बाजार में 2000 रुपये का नोट आ गया और इसी के साथ केंद्र सरकार और RBI द्वारा उच्च मूल्य के नोटों को बंद किए जाने के पीछे दिए गए उपरोक्त तर्क के साथ विरोधाभास पैदा हो गया है, क्योंकि केंद्र सरकार 500 रुपये और 1000 रुपये से भी अधिक उच्च मूल्य का नोट यानी 2000 रुपये का नोट लाई है। इतना ही नहीं, बाजार में 2000 रुपये के जाली नोटों के अलावा जम्मू कश्मीर में मारे गए आतंकवादियों से नए नोट भी बरामद किए जा चुके हैं। इस घटना ने केंद्र सरकार के दावों को धक्का पहुंचाने का काम किया है और अब मोदी सरकार कटघरे में खड़ी है। एक तथ्य यह भी है कि RBI के पास 10000 रुपये तक के नोट छापने की अनुमति है। पूर्व में इसके अंतर्गत 1000 रुपये से ऊपर सीधे 5000 रुपये और 10000 रुपये का ही नोट छापा जा सकता था, लेकिन वर्तमान में 2000 रुपये के नोट की नई सीरीज गांधी की फ़ोटो के साथ छापी गई है। तो जाहिर है कि इसकी अनुमति से संबंधित एग्जीक्यूटिव ऑडिटर ऑर्डर नोटिफिकेशन आदि जारी किए गए होंगे, लेकिन आज तक जनता इन संबंधित एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नोटिफिकेशनों आदि को देखने में नाकाम रही है। एक तरफ तो भारतीय रिजर्व बैंक का स्पष्ट रूप से कहना है कि भारत की कैश आधारित इकोनॉमी है, अर्थात देश के अधिकतर लोग कैश में ही लेन देन का कार्य करते हैं। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार नकद लेन देन के खिलाफ है और नोटबंदी के बाद बैंकों से नकदी निकासी पर शिकंजा कसते हुए लोगों से चेक, ATM, मोबाइल वॉलेट, इंटरनेट बैंकिंग इत्यादि द्वारा लेन देन करने को कहा जा रहा है। आज देश की जनता खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रही है। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा लिए गए एक तरफा पक्षपाती, विरोधाभासी और संदेहास्पद मकसद वाले इस तानाशाही निर्णय की वैधानिकता को माननीय न्यायालय के समक्ष कानूनन चुनौती दी जा सकती है। PMO को चाहिए कि वह RTI के सवालों का सीधा जवाब देकर RTI एक 2005 की अनुपालना करें। साथियों, इस RTI के बारे में मैं कुछ विषय के बारे में आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। मैंने RTI के माध्यम से PMO से पूछा था कि ये क्या रिकॉर्डिंग जो है या जो PM का संदेश है वो क्या लाइव गया था या इसकी रिकॉर्डिंग हुई थी। तो PMO ने जो है इसे इस RTI का जवाब देने के बजाय टालम टोल करते हुए आर्थिक मामलों के विभाग और सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भेज दिया है। ये सब कुछ मैंने इस विज्ञप्ति में, प्रेस रिलीज में लिख दिया है, आपको ये मिल जाएगी। और ये रिकॉर्डिंग PMO में हुई थी, तो ऐसे में इसके बारे में जवाब देने का दायित्व PMO का है, लेकिन PMO जो है इससे कतरा रहा है। तो ये सारी बातें मैंने आपके सामने रखी है, धन्यवाद। ये तो पिछले कई महीने से छप रहे थे, 2 महीने से छप रहे थे, 6 महीने, कहीं कहीं 6 महीने कह दिया, कहीं तो ये भी कह दिया कि तो पहले से छपते चले आ रहे थे। तो ये विरोधाभास जब नजर आया मुझे, कब मैंने ये RTI लगाई, मुझे ये बताया जाए कि ये रिकॉर्डिंग कहाँ हुई, क्या 7 रेस कोर्स रोड पर रिकॉर्डिंग हुई, अगर हुई तो कितने समय की हुई। मुझे तो अनएडिटेड ओरिजिनल स्क्रिप्ट की एक रिकॉर्ड करके कॉपी मुझे दे दी, क्यों, मुझे लगा कि स्पीच में मसाला ज़्यादा था, उसे काट 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 के आधा किया गया, आधे से भी कम हो सकता है, लेकिन वो कैसे इस्टेब्लिश करूँ मैं कि आधे से कम किया या ज़्यादा किया, वो तभी होगा तो मेरे पास अनएडिटेड वो पार्ट आएगा। अब जैसे ही मैंने ये RTI लगाई 15 तारीख को, फिजिकली मैं इसको रिसीव करवा के आया PMO ऑफिस में, और मुझे कुछ इसमें लगा, मेरे इसमें तो जरूर ज़्यादा है, दूसरे प्रिंट आउट ठीक नहीं था मेरा, तो मैंने शाम को घर जाकर वापस 7-8 बजे के करीब मैंने उसकी करेक्टेड कॉपी दोबारा टाइप करके स्कैन करके सिग्नेचर के साथ, और मैंने दोबारा PMO को भेजा। 16 तारीख को मुझे सुबह 11 बजे टेलीफोन आता, 10:30 बजे, कि क्या आपने ऑनलाइन RTI फाइल करी। मैंने कहा यस, आप ही का नाम यह है। मैंने कहा यस,
तो आपने रसीद क्यों नहीं लगाई? मैंने कहा रसीद का मैंने तो हार्ड कॉपी आपके सीआर में सेंट्रल डायरी में डिस्पैच कर दी, देख रहा हूँ पर्सनली डिलीवर करके आऊँ, लेकिन फिर भी आप मांग रहे हैं तो मैं अभी स्कैन कर देता हूँ। मैं एक घंटे के अंदर गया अपनी दुकान पर, मैंने उसे स्कैन करके भेज दी, उसके बाद वो साइलेंट है, कोई जवाब नहीं, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। आज 24 तारीख हो गई है और इनको तो शायद जवाब भी आ गया कि आगे फॉरवर्ड कर दिया सेक्शन 3-6 में। मुझे तो खुद एप्लीकेशन की भी एक समय सीमा होती है, वो 30 दिन है, 30 दिन है नहीं तो मैं तो ये नहीं कह रहा कि मुझे दे दीजिए, लेकिन समय की और हालात की गरिमा को देखते हुए उनका फर्ज बनता है कि जितना जल्दी हो संशय को मिटाने के लिए इन्फॉर्मेशन दे दो। शंभू जी, इसमें 30 दिन का इंतजार नहीं कर सकते, द रीज़न आई एम टेलिंग यू। और जहाँ तक बात है अपने ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं प्रधानमंत्री पर और वित्त मंत्री पर, और वो स्थिति साफ नहीं कर रहे, तो ये है कि ये कैबिनेट का डिसीजन नहीं हुआ, कैबिनेट का डिसीजन नहीं हुआ, ये लिपापोती हुई है। इंदिरा गांधी से भी बढ़कर यह डिक्टेटरशिप वाला चैप्टर दोहराया गया। कैसे? 6 बजे कहाँ से रिपोर्ट आई, कब डायरी हुई और कब वो कैबिनेट को प्रपोजल बनके गई? इतनी बड़ी प्रपोजल कैसे इतनी देर में टाइप भी होगी और अप्रूव भी होगी, सब कुछ हो गया, ये बात इन्हीं के मुँह से पकड़ी गई। GTV के ऊपर 10 तारीख को प्रोग्राम आया, उसमें उन्होंने कहा कि आपने गोपनीयता बरती और ये चीज़ें करी है कि भाई 6 बजे 8 तारीख को 6 बजे आपके पास RBI से इन्फॉर्मेशन आई, 7 बजे आपने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और 8 बजे आपने राष्ट्र के नाम संदेश दे दिया। तो मेरे जैसे एक एक्टिविस्ट को संदेह लगता है कि इतनी जल्दी डायरी होकर ऑफिसर की टेबल पर नहीं जाती फाइल, इनके पास कैसे पहुंच गई? देखिए साहब, ये सेक्शन RBI एक्ट 1934 है, इसका सेक्शन 25 ये कहता है नोटों का फॉर्म और डिज़ाइन साइज वगैरह कैसा होगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ दी RBI विल रिकमेंड टू दी गवर्नर जनरल इन काउंसिल, 1934 में, उसको 1937 में बदल कर दिया गवर्नर जनरल इन काउंसिल की जगह सेंट्रल गवर्नमेंट। आज हमारा नया संविधान आ गया, हमारा देश का स्वतंत्र भारत का, तो उसमें इस संविधान के मुताबिक हमारी डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन सी है? कैबिनेट। तो कैबिनेट की बिना अप्रूवल के कैसे हो गया? मैंने ये 22 अक्टूबर को प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी से ये दोबारा, पहले कई सालों से चल रहा है मामला, डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रोसिक्यूशन करने की मुझे इजाज़त दी जाए, क्योंकि एज फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने महात्मा गांधी के फोटो को लगाया और अशोक चिन्ह को हटाया, जिसकी अप्रूवल 13 नवंबर 1947 को कैबिनेट ने दी थी। कैबिनेट का डिसीजन कैबिनेट ही बदल सकती है। एक सेक्शन 25 के मुताबिक RBI एक्ट ये कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आएगी रिकमेंडेशन RBI की, तो RBI की जो रिकमेंडेशन आई, वो रिकमेंडेशन आने के बाद उसे एग्जामिन किया जाएगा, उसके फोटो डम्मी देखे जाएंगे, फिर उसका निर्णय लिया जाएगा। निर्णय तो कोई है ही नहीं। और बाद में इन्होंने ये कह दिया 11 तारीख के प्रोग्राम में आपकी अदालत में रजत शर्मा की कोर्ट में ये कह दिया साहब, ठीक है ना जी, दैट इज एडमिटेड फैक्ट कि साहब वहाँ क्या और मंत्रियों ने अपराध नहीं किया, कैबिनेट मिनिस्टर ने, वेंकैया नायडू ने नहीं किया, एक्सटर्नल मिनिस्टर ने नहीं किया, उन्होंने करा तो था, उन्होंने अपराध किया, लेकिन प्रधानमंत्री जी उनको सेटिस्फाई कर दिया। तो ये सेटिस्फाई कैसे होता? कैबिनेट की अप्रूवल होनी चाहिए, थ्रेड बेयर डिस्कशन होना चाहिए था। आप देश की करेंसी को डिमोनेटाइज कर रहे हैं, प्लस नए 2000 रुपये का नोट ला रहे हैं, 2000 रुपये का नोट लाने की आवश्यकता का है? RBI एक्ट की सेक्शन 24 ये कहती है 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये 50 रुपये 100 रुपये 500 रुपये 1000 रुपये और 5000 रुपये और 10000, इसे 2000 रुपये की सीरीज नहीं है। पहले तो इसका अमेंडमेंट करते, इसका नोटिफिकेशन निकालते, इसका तो किया नहीं, जंप कर गए सीधा 2000 पर, 1000 का बंद कर रहे, 2000 का चालू कर रहे, व्हाट इज द सेंस?